दोस्तों आदिपुरुष मूवी की जहां पर उसके डायलॉग को लेकर आलोचना हो रही है, मेरा मानना है कि मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं है जो आपको एक्साइट कर दे या आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप इस मूवी में कोई सीन फील करते हैं तो वो आपकी पुरानी भावनाओं पर आधारित फीलिंग होगी जो आपने पुरानी रामायण देखी होगी या रामायण पढ़ी होगी। तो अब हम देखेंगे कि मूवी में ऐसे कौन से डायलॉग हैं जो जनता को अच्छे नहीं लगे, और ये भी देखेंगे कि रामायण में ऐसी कौन सी कथाएं थी जो अगर इस मूवी में होती तो शायद इस मूवी की इतनी निंदा ना होती। और वो डायलॉग है, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। तो मैं आपको बता दूं, सभी वानर सीता को सीता माता की तरह मानते थे, ना कि बहन की तरह। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, तो ऐसे बातें करना हनुमान जी को शोभा नहीं देता है, तो इसलिए ये जनता को अच्छा नहीं लगा। तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने के लिए आ गया? मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। तो ये ऐसे डायलॉग हैं जो जनता को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अब हम बात करते हैं रामायण की कुछ ऐसी कथाओं की जो अगर इस मूवी में होती तो शायद इस मूवी की शोभा और बढ़ जाती और इस मूवी की इतनी निंदा ना होती। इस मूवी में अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड और लंका कांड दिखाया हुआ है। अरण्यकांड और किष्किंधा कांड के लिए मैं इस मूवी की आलोचना नहीं करूँगा, क्योंकि जब आपको एक 3 घंटे की मूवी बनानी होती है तो आपको शायद कुछ सीन या कथाएँ कम करनी पड़ती है। लेकिन किष्किंधा कांड की कुछ अगर ऐसी कथा होती इसमें तो मैं सोचता कि ये शायद मूवी और अच्छी हो सकती थी। और वो कथाएं कौन सी थी वो मैं अब आपको बताता हूँ। जब सुग्रीव और राम की भेंट होती है तो सुग्रीव श्री राम को बताते हैं कि क्यों उन्हें किष्किंधा राज्य को छोड़कर ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहना पड़ रहा है, और साथ ही साथ वो बाली की शक्तियों के बारे में भी बताते हैं। और फिर वो भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाहते हैं कि क्या वो इतने समर्थ हैं कि बाली का वध कर सकें। तो पहले सुग्रीव भगवान श्री राम को दुदुम्भी के विशालकाय कंकाल के पास लेकर जाते हैं और बाली और दुदुम्भी की कथा बताते हैं। वो बताते हैं कि जो दुदुम्भी था एक बहुत ही विशाल काय भैंसे के स्वरूप में एक राक्षस था, जिसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा था और बाली ने बहुत ही आसानी से उसको मार गिराया था। और उसके पश्चात बाली ने दुदुम्भी के मृत शरीर को आसमान में उछाला, जिसकी वजह से दुदुम्भी के शरीर की कुछ रक्त की बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिरी, जिससे मतंग ऋषि काफ़ी क्रोधित हुए और उन्होंने बाली को श्राप दिया कि अगर वो इस आश्रम के एक योजन के नज़दीक भी आया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यही कारण था सुग्रीव को बाली से बचने के लिए ऋषिमुख पर्वत पर आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर मतंग ऋषि का श्राप लगा हुआ था बाली को। यहाँ पर भगवान श्रीराम सुग्रीव को अपनी शक्ति का परिचय देते हैं और अपने पैर के अंगूठे से ही दुदुम्भी के कंकाल को हवा में उछाल देते हैं। और इस मूवी में बाली और सुग्रीव की शत्रुता की कथा भी मिसिंग है, जिसमें मायावी असुर की कहानी आती है। और सुग्रीव भगवान श्रीराम को 7 साल वृक्षों के पास लेके जाते हैं, जिसको भगवान श्रीराम अपने एक ही बांध से तोड़ देते हैं। इन वृक्षों के पीछे भी एक कथा है, जो पर्सन इन वृक्षों को अपने एक ही वार से तोड़ देगा वही बाली का वध कर पाएगा। तो ये भी कथा मिसिंग है इस मूवी में। जब वानर माता सीता को ढूंढते ढूंढते समंदर के तट तक पहुंच जाते हैं और वहां से उनको समझ नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाएं, तो गिद्धराज संपाति वानरों को बताते हैं कि माता सीता को लेकर रावण किस तरफ गया है, तो वो लंका का रास्ता बताते हैं। आदिपुरुष मूवी में दिखाया गया है कि जामवंत हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाते हैं और भगवान हनुमान समुद्र को पार करके लंका में पहुंच जाते हैं। यहाँ भी कुछ कहानियाँ मिसिंग है, जैसे जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे होते हैं तो देवता सुरसा नामक राक्षसी को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं। तो हनुमान जी पहले अपना बड़ा स्वरूप लेते हैं, सुरसा के मुख में जाते हैं, फिर छोटा स्वरूप लेके उनके मुख से बाहर आ जाते हैं। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो उनको मेनाक पर्वत मिलते हैं। मेनाक पर्वत हनुमान जी को अपने ऊपर विश्राम करने को कहते हैं, लेकिन हनुमान जी उन्हें मना कर देते हैं। आपने एक यहाँ पर सुना होगा, राम काज कीजे बिनो मोहे कहाँ विश्राम। तो हनुमान जी मेनाक पर्वत को मना कर देते हैं कि वो विश्राम नहीं करेंगे जब तक श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं करेंगे। क्या आपको मेनाक पर्वत और हनुमान जी के पिता पवन की कहानी पता है? नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वो जरूर कहानी बताऊंगा। और क्या आपको ये पता है कि सतयुग में जो माउंटेन होते थे वो पहले उड़ा करते थे? अगर वो भी नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ से हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और आगे उनको एक और राक्षसी उनका रास्ता रोकती है। ये राक्षसी में शक्ति होती है, ये आसमान में जितने भी पक्षी उड़ रहे होते हैं उनकी जो समंदर में परछाई पड़ती है उसको पकड़ कर अपने मुंह में ले लेती है और उन पक्षियों को खा लेती है। ऐसा ही ये हनुमान जी के साथ भी करती है, लेकिन ये मारी जाती है। तो ये कहानी भी मिसिंग है। जैसे ही हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुँचते हैं, वहाँ पर उनका लंकनी रास्ता रोकती है और हनुमान जी अपने एक ही गुस्से से उस लंकनी को मार गिराते हैं। तो ये भी कहानी मिसिंग है। और जब हनुमान जी इस माता सीता को लंका में ढूंढ रहे होते हैं तो वो एक स्थान पर जाते हैं जहाँ पर भगवान श्री राम की आवाज़ आ रही होती है, कोई व्यक्ति भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण कर रहा होता है
और यहाँ पर हनुमान जी की भेंट होती है विभीषण से, और विभीषण जी हनुमान जी को बताते हैं कि रावण ने सीता माता को कहाँ रखा हुआ है। फिर हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं जहाँ उनकी अक्षय कुमार से लड़ाई होती है। अक्षय कुमार की लड़ाई तो मूवी में पूरी तरह मिसिंग है, और जो मेघनाथ के साथ लड़ाई दिखाई गई है वो ऐसे नहीं है। मूवी में दिखाया गया है कि मेघनाथ एक तीर छोड़ता है जिसमें से जाल निकलता है और हनुमान जी उसमें फंस जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। जब मेघनाथ को लगता है कि वो हनुमान जी को पराजित नहीं कर सकते तो वो अपने धनुष के ऊपर ब्रह्मास्त्र धारण करते हैं। ब्रह्मास्त्र की महत्ता की रक्षा के लिए हनुमान जी अपने आप को मेघनाथ के बंधन में बंधवा लेते हैं और वहां से वो रावण के दरबार में जाते हैं। यहाँ पर हनुमान जी और रावण का संवाद भी मूवी में मिसिंग है। इसके बाद रावण जो होता है वो हनुमान जी की पूंछ पे आग लगवा देता है और उसके बाद लंका दहन शुरू हो जाता है। जो यहाँ पर मूवी में मिसिंग है वो ये है कि जब लंका दहन होता है रामायण में तो उसमें विभीषण का घर और अशोक वाटिका बिल्कुल नहीं जलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है मूवी में। सीधा हनुमान जी लंका जलाकर वापस श्री राम के पास लौट आते हैं। और उसके बाद जब राम सेतु बनता है तो उसमें हम सब जानते हैं कि नल और नील का कितना बड़ा रोल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है मूवी में। और आदिपुरुष मूवी में जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है वो ये है कि जो मेघनाद होता है लक्ष्मण के ऊपर नागपाश चलाता है जिससे लक्ष्मण मोचा खाकर गिर जाता है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छा में आ जाते हैं, तब हनुमान जी गरुड़ को लेकर आते हैं और गरुड़ ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से स्वतंत्र करते हैं। और दूसरे दिन जब मेघनाद वापस लड़ने आता है तो वो अपनी वास्तविक शक्ति का यूज करता है लक्ष्मण के अगेंस्ट और लक्ष्मण जी मूर्छा खाकर गिर जाते हैं। तब विभीषण बताते हैं कि लक्ष्मण जी का इलाज सुषेण ऋषि कर सकते हैं जो कि लंका में है। तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, लय ग्रह भेद सुषेण समेत तबे गिरि द्रोण सो वीर उबारो। तो हनुमान जी सुषेण ऋषि को उनके घर के समेत उठाकर युद्ध भूमि में लेके आते हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी लेटे हुए होते हैं। और सुषेण जी बताते हैं कि अगर लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं तो वो संजीवनी बूटी से हो सकते हैं। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं द्रोण पर्वत पर, और यहाँ पर भी उनको बीच में काफ़ी संकट का सामना करना पड़ता है जो मूवी में नहीं दिखाया गया है। और जब हनुमान जी इस द्रोण पर्वत को वापस लेकर आ रहे होते हैं तो उनकी बीच में भरत से भी मुलाकात होती है, तो ये भी मूवी में मिसिंग है। मूवी में दिखाया गया है कि विभीषण की पत्नी लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुषेण ऋषि जो कि वैद्य है वो लक्ष्मण जी का ट्रीटमेंट करते हैं। मूवी में एक और बड़ी गलती है जिसमें दिखाया गया है कि लक्ष्मण जी मेघनाथ को पानी के अंदर मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेघनाथ जब भी युद्ध करने के लिए जाता है तो उससे पहले वो निकुम्बला देवी की पूजा करता है जिससे उन्हें एक अलौकिक रथ की प्राप्ति होती है, और इस रथ को एक वरदान होता है कि जो भी इस पर बैठकर युद्ध करेगा वो कभी पराजित नहीं होगा। लक्ष्मण जी पहले मेघनाथ की इस पूजा को भंग करते हैं और उसके बाद मेघनाथ और लक्ष्मण में फिर युद्ध होता है, और अब मेघनाथ पहचान जाता है कि लक्ष्मण जी कोई सामान्य मारम नहीं है। तो यहाँ पर मेघनाथ एक बार रावण के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि सीता माता को लौटा दे, लेकिन रावण मना कर देता है। तो वापस मेघनाथ लक्ष्मण के साथ आकर युद्ध करते हैं जिसमें भगवान लक्ष्मण मेघनाथ का वध कर देते हैं। और एक सती सुलोचना की कहानी मिसिंग है इस मूवी में। जब लक्ष्मण जी अपने बाण से मेघनाथ का सर काट देते हैं तो उनकी पत्नी को पता चल जाए कि उनके पति की मृत्यु हो गई है, तो भगवान श्री राम उनका एक हाथ रावण के पास भिजवा देते हैं। तो सुलोचना अपने पति के हाथ को देखकर पहले ये नहीं मानती कि उनके पति की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे सती सुलोचना अपने सतीत्व की परीक्षा लेती है और कहती है कि अगर ये मेरे पति का हाथ है तो उसको प्रूफ करके दिखाए। तो हाथ उठता है और लिखता है कि वो मेघनाथ का ही हाथ है, और बाद में वो हाथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की स्तुति के बारे में भी लिखता है। इसके बाद सुलोचना अपने पति का धड़ और सर भगवान श्री राम से लेने जाती है और ये कहती है कि वो अब अपने पति के साथ सती हो जाएगी। भगवान ये देखकर काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अभी मेघनाथ को फिर से जिंदा कर देंगे, लेकिन सुलोचना ऐसे करने से मना कर देती है और अपने पति का धड़ और सर लेकर सती हो जाती है। तो ये कहानी भी इस मूवी में मिसिंग है। आपने संकट मोचन में तो ये जरूर सुना होगा, बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवहि पूजी बलि विधि सो बलि देहु मिले बलि मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तब ही अहिरावन सैन्य समेत सहारो। तो यहाँ पर अहिरावन की कहानी भी मिसिंग है इस मूवी में। और राम और रावण युद्ध में जो एक चीज मिसिंग है, विभीषण भगवान श्री राम को बताते हैं कि जो अमृत कुंड है वो रावण की नाभि में है, तो नाभि पर प्रहार करिए। तो इसलिए भगवान श्री राम रावण की नाभि पर प्रहार करते हैं जिसके बाद रावण की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े सीन और कथाएं हैं जो रामायण में है लेकिन इस मूवी में नहीं है। अगर वो इस मूवी में होती तो शायद ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप किसी भी कहानी के बारे में पूछ सकते हैं, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।